सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान कटने से वाहन इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। परिवहन मंत्रालय जल्द ही भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण फेडा के साथ एक करार करने जा रहा है। इससे परिवहन मंत्रालय के अलावा ट्रैफिक पुलिस और बीमा पॉलिसी जारी करने वाली कंपनियों को भी एक सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ा जाएगा। पिछले 5 साल में कितनी बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है उसको देखा जाएगा। इसी आधार पर वाहन बीमा की प्रीमियम की राशि तय होगी। हालांकि जो लोग गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो उन लोगों को इंश्योरेंस रिन्यू करवाते वक्त कम प्रीमियम देना होगा। मंत्रालय एडा के डाटा बेस को जल्द ही वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक करने जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से विभाग को पता चल जाएगा कि कौन अपनी गाड़ी का समय पर बीमा नहीं कराता है। ऐसे में सड़क पर चल रही गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस जब्त कर सकेगी। जब्त की गई गाड़ी को तभी छोड़ा जाएगा जब उस वाहन के स्वामी ने बीमा करा लिया हो। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। अभी भारत में हर साल 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।